प्राचीन कुंदौरा महादेव मंदिर के विकास के लिए और सुरक्षा व्यवस्था साफ सफाई व 10 अगस्त को शुरू हो रही कथा को लेकर बैठक संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, संवाददाता मनीष शुक्ला की खास रिपोर्ट। मंगलवार को प्राचीन कुंदौरा महादेव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित बैठक कुंदौरा ग्राम स्थित ग्राम पंचायत भवन परिसर में की गयी, जिसकी अध्यक्षता मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष एवं संचालन प्रतिष्ठित सक्रिय सदस्य लोग ने किया। बैठक में क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। आपको बता दूं, प्रयागराज जनपद हंडिया तहसील विकास खंड धनुपुर के अंतर्गत ग्राम कुंदौरा स्थित प्राचीन कुंदौरा महादेव मंदिर आसपास जिलों का आस्था का केंद्र है। मंदिर पर विकास के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और 10 अगस्त से शुरू हो रहे भव्य कथा के लिए बैठक हुई, जिसमें आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों ने अपनी राय रखी, कथा को लेकर समर्थन किया। कुंदौरा ग्राम प्रधान व कुंदौरा मंदिर ट्रस्ट हरिप्रसाद मिश्रा ने बैठक में कहा कि कुंदौरा महादेव मंदिर पर संस्था के द्वारा विकास कार्य किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कहा कि मंदिर परिसर में ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। कहा कि राधा कृष्ण का मंदिर बन रहा है और संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि धर्मशाला, शादी विवाह हॉल भी बनाया जाएगा। ये सब बनने से यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। मंदिर की साफ सफाई लेकर चर्चा हुआ। कहा कि सुबह शाम भगवान भोलेनाथ का संस्था के द्वारा आरती किया जाता है। वहीं इस बैठक में पूर्व ग्राम प्रधान अशोक तिवारी, पूर्व ग्राम प्रधान पति हरिपुर बालकृष्ण तिवारी, पूर्व ग्राम प्रधान रामापुर अमरेश शुक्ला, ग्राम मर्रो प्रधान राकेश यादव, बालकृष्ण शुक्ला, सच्चिदानंद पांडे, ओंकार नाथ शुक्ला, ग्राम प्रधान सेवना प्रतिनिधि पिंटू पांडे, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पांडे, जितेंद्र पांडे, एडवोकेट मनोज पांडे, ग्राम प्रधान हरिपुर सौरभ तिवारी, कल्लू शुक्ला, अवधेश शुक्ला, सूरज तिवारी, पिटारा तिवारी, जुगनू तिवारी, प्रशांत यादव पूर्व बीडीसी दतेपुर, चंद्रकांत पांडे प्रधान धनुपुर, जयप्रकाश पांडे पूर्व प्रधान विश्राम उपाध्याय देवा, कृष्णकांत तिवारी, शंभुनाथ दुबे, लुल्ली तिवारी आदि लोग रहे।